Thank you, sir, for giving me this opportunity. Sir, today we are discussing the finance bill, which has to do with economy, economic development, etc. मेरा मानना है सर कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही हम लोग लोगों को रोजगार दे सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही विकास हो सकता है। इसमें बहुत सारे लोगों ने बात अपनी अपनी बातें कही हैं, बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ है। उस सब क्रिटिसिज्म का एक ही जवाब है और वो बहुत सिंपल सा जवाब है, सर आज हमारी ग्रोथ रेट, हमारी अर्थव्यवस्था का विकास दर 7.6% है। दुनिया में जितने बड़े इकोनॉमीज हैं उसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ हमारे इकोनॉमी का है। दुनिया में सभी कंट्रीज में बड़े बड़े जो इकोनॉमीज हैं, बड़े अर्थव्यवस्था जो हैं, उसमें सबसे तेजी से ग्रोथ हमारी कंट्री का हो रहा है। एक शब्द में, एक लाइन में यह बता देता है कि यह हमारी सरकार की क्या उपलब्धि है, एक लाइन। और जबकि हमारी सरकार आई थी उस समय ग्रोथ रेट एकदम डॉल्ड्रम्स में था। सर 12-13 में तो ग्रोथ रेट चला गया था 5.6% पर, इतना लो चला गया। और दो वर्षों में हम लोगों ने उस ग्रोथ रेट को बढ़ा करके दुनिया में बड़े इकोनॉमी में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना लिया। आज हमारा देश, सर आई वुड लाइक यू टू पे अटेंशन टू सॉर्ट ऑफ नोट दिस, टुडे सर आवर ग्रोथ रेट इज फास्टर देन द ग्रोथ रेट ऑफ चाइना, मच फास्टर, अबाउट 1% फास्टर। दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन नोट ऑफ। एंड अलॉन्ग विद दिस इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। टुडे द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज इन द नेगेटिव, इट्स 0.8 - 8.85%। द CPI इज अबाउट 5%, वेयर एज आई थिंक द इन्फ्लेशन वेंट अप टू 9.5% एट वन टाइम ड्यूरिंग UPA। तो इन्फ्लेशन नियंत्रण में है, ग्रोथ रेट हमारा दुनिया में सबसे अधिक है, डेफिसिट को सर हम लोगों ने 3.5% तक रखा है, फिस्कल डेफिसिट को। तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल एकदम सॉलिड फाउंडेशन पर है। ये हमारा अचीवमेंट है, 2 साल का अचीवमेंट लोग कहते हैं क्या है, ये मेरा अचीवमेंट है, ये हमारे देश का अचीवमेंट है, हमारे सरकार का अचीवमेंट। और इसके साथ डेफिसिट को 3.5% तक सीमित करते हुए, इसके बावजूद कि 14th फाइनेंस कमीशन ने शेयरिंग ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज का फॉर्मूला बदल दिया, जो स्टेट्स के शेयर्स थे उसको, जो राज्यों को शेयर मिलता है टैक्सेस का, उसको 32% से बढ़ाकर के 42% कर दिया। और इसके बावजूद कि राज्य सरकार की, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं साहब हम डेफिसिट को नियंत्रित रखेंगे, मिस्टर मौली सर, डिस्पाइट दिस फैक्ट, डिस्पाइट दीज टू कंस्ट्रेंट्स, डिस्पाइट द चेंज इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन द शेयरिंग ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, डिस्पाइट कीपिंग टू द FRBM, वी स्टिल फाइंड मनी टू इन्वेस्ट अबाउट 2.21 लाख करोड़ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर भी सर हमको इतनी राशि बच गई, या इतनी राशि हम बचाने में हम सफल हुए कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2.21 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिए सर हम लोगों ने 35,000 करोड़ एक्सपेंडिचर के लिए प्रोविजन रखा है। जो कोर इंडस्ट्रीज है, जो कोर सेक्टर्स है, उसमें अबाउट 6.5% ग्रोथ हुआ है, चाहे सीमेंट हो, चाहे स्टील हो, जितने या फर्टिलाइजर्स हो, ये सबको आप कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज देखेंगे तो उसमें हमारा 6.5% ग्रोथ हुआ है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। सर ये हम लोग का ग्रोथ रेट फास्टर होता, आज मेरा मानना है कि अगर कुछ इंपेडिमेंट्स नहीं होते तो हमारा ग्रोथ रेट 9.5% 10% के आसपास चला जाता। वैसे भी IMF और वर्ल्ड बैंक कह रही है कि इंडिया विल रिमेन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, ये IMF और वर्ल्ड बैंक का असेसमेंट है। लेकिन अगर कुछ इंपेडिमेंट्स नहीं होते तो ऑलरेडी हम 9.5% का ग्रोथ रेट टच कर लिए रहते। इंपेडिमेंट क्या है सर,
एक कुछ इंपेडिमेंट्स तो हमको मिले हैं विरासत में, लोग ऑब्जेक्ट करेंगे विरासत की बात कहेंगे, लेकिन कुछ मेजर इंपेडिमेंट्स हैं, और वो इंपेडिमेंट्स ऐसे हैं कि ये जो लोग ये इंपेडिमेंट्स पैदा किए उस समय उन लोगों को मालूम होना चाहिए था कि हम अपने देश के इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा इंपेडिमेंट पैदा कर रहे हैं। वो एक मेजर इंपेडिमेंट तो है सर, जो ये लैंड एक्विजिशन लॉज को तो इन्होंने बदल दिया। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी इंडस्ट्री के लिए लैंड एक्विजिशन करना, किसी प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन करना बिल्कुल दुभर हो गया। अगर आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैंड एक्वायर नहीं कर सकते, अगर आप इंडस्ट्री बैठाने के लिए लैंड एक्वायर नहीं कर सकते, तो आप रोजगार कहां से देंगे लोगों को? कृषि में तो रोजगार बढ़ने वाला नहीं, कृषि में तो रोजगार घट रहा है। डेवलपमेंट का मतलब है कि आप इंडस्ट्रियलाइज करें ताकि आप रोजगार पैदा करें। नाउ यू हैव बाय पासिंग दैट लैंड एक्विजिशन बिल एंड मेकिंग लैंड एक्विजिशन सो डिफिकल्ट, यू हैव मेड श्योर दैट आवर प्रोग्रेस इज हॉल्टेड, दैट आवर प्रोग्रेस इज इंपीडेड। इफ एनी कंट्री इनिमिकल टू आवर कंट्री वॉन्टेड टू इंपीड आवर प्रोग्रेस, दे कुड नॉट हैव डन बेटर देन व्हाट दिस हैज डन। इसे और कोई बड़ा इंपेडिमेंट नहीं डाल सकते थे हम लोग के ग्रोथ पर। उस लैंड एक्विजिशन लॉ को हम लोगों को चेंज करना होगा, एक बहुत बड़ा इंपेडिमेंट ये। और अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि हम लोगों का फोकस, हम लोगों का मकसद सिर्फ विकास, हम लोग सिर्फ विकास की बात करते हैं, लेकिन हर मामले में सर हमने अभी तुरंत शुरू किया, लेकिन हर मोड़ पर ऐसी ऐसी बातें उठाई जाती हैं ताकि हम लोगों का जो फोकस है वो डिरेल हो। अब बीच में कहा जाने लगा कि साहब सो हम लोग इंटॉलरेंट और असहिष्णुता की बात होने लगी। हमारी समाज, हमारी सोसाइटी, इंडिया की सोसाइटी जितनी टॉलरेंट है उतना दुनिया की कोई सोसाइटी टॉलरेंट नहीं। हम लोग को यह फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस के भी मिलाकर आता तो हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, और आप हम लोग को बताते कि हम लोग इंटॉलरेंट हैं। हाँ, इंटॉलरेंट हम लोग इसी मामले में है जबकि हम लोग को लगता है कि देश हित के विरुद्ध कोई छो रहा है, तभी हम लोग इंटॉलरेंट। लेकिन ऐसे ऐसे करके कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करके जो हम लोग का विजन है, जो हम लोग का मिशन है डेवलपमेंट का, विकास करने का, ग्रोथ का, जिस पर हम लगे हुए हैं, जिसके बारे में बात करते रहते, उससे डिरेल करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हम लोग डिरेल नहीं होंगे अध्यक्ष महोदय, और हम लोगों का जो मकसद है वो हम लोग पूरा करेंगे, विकास करेंगे। ये इंपेडिमेंट्स के बावजूद आप देख अध्यक्ष महोदय, एक और मेजर इंपेडिमेंट देख लें, जीएसटी बिल को लोग लटकाए हुए हैं बिना कारण के, पिछले दो साल से बिना कारण, और ये जानते हैं कि हाँ साहब सो जीएसटी बिल पास होगा तो हम लोग का जो ग्रोथ रेट है उसे 1% की और बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी उस पर ब्रेक डाले हुए हैं। कुछ लोगों ने भाषण देते समय सर कुछ और बात कही, उन्होंने कहा कि डेवल्यूशन टैक्सेस के डेवल्यूशन में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हम लोगों ने ये जो सेंट्रल ग्रांट्स वगैरह जो होते थे उसमें कटौती कर दी है ताकि स्टेट्स को जो राशि जा रही है उसमें वस्तुतः कमी हुई। सर ये सही नहीं, जो स्टेट्स जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थे उसमें रैशनलाइजेशन हुआ है, लेकिन उस रैशनलाइजेशन के बावजूद, और वो रैशनलाइजेशन आवश्यक था क्योंकि स्टेट्स को जो शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज है वो ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन उस रैशनलाइजेशन के बावजूद जो स्टेट्स को ट्रांसफर्स हुए हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। फिगर्स मेरे पास है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पढ़ दूंगा। नहीं, टाइम नहीं, बट आई मीन इफ एनीबॉडी वांट्स टू सी इट, सर आई विल शो इट यू आई हैव द फिगर्स दैट डिस्पाइट द रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रांसफर्स अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एटसेट्रा, द ट्रांसफर, द ओवरऑल ट्रांसफर्स टू द स्टेट्स हैव इंक्रीज्ड आफ्टर द डेवल्यूशन। ये भी कहा गया है कि सेसेस की संख्या बढ़ा दी गई है। सर वी अबॉलिश 13 सेसेस, वी हैव इम्पोज्ड न्यू सेसेस। कृषि कल्याण सेस आवश्यक था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए सेस आवश्यक था, ये आवश्यक थे, ये हम लोगों ने ये लगाया है, लेकिन बाय एंड लार्ज सेसेस में भी हम लोगों ने रैशनलाइजेशन किया है। सर ओवरऑल आई थिंक द बजट एंड द फाइनेंस बिल नीड्स टू बी कमेंडेड, एट नीड्स टू बी कमेंडेड विदाउट रिजर्वेशन। आई थिंक वी आर, एज आई सेड, वी हैव मच टू बी हैप्पी अबाउट। We are the fastest growing economy in the world, the fastest growing major economy in the world, and the growth will only pick up if only we get some more
cooperation from our friends across the aisle. Thank you.